आप सभी शिक्षक गणों एवं सहपाठियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शमा है। मैं रास्ता स्कूल से कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज हम हिंदी व इंग्लिश पर वाद विवाद करेंगे, जिसमें मैं हिंदी के पक्ष में खड़ी हूँ। तो आज का हमारा विषय है हिंदी किताबों की भाषा हिंदी से बदलकर इंग्लिश कर देनी चाहिए। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। भारत में हिंदी समझने और बोलने वालों की संख्या करीब 70 करोड़ है। देश से बाहर भी करोड़ों लोग इसे जानते व समझते हैं। संविधान में राजभाषा की मान्यता मिलने पर भी आज हम सभी कार्य हिंदी में ना करके क्या दिखाना चाहते हैं? पर रटेदार इंग्लिश बोलने वालों को सभ्य समझकर हम स्वयं को नीचा समझते हैं। इसी वजह से हिंदी ग्रामीण भाषा बनकर रह गई है। हमारे रहन सहन, खान पान एवं पहनावे पर इसका असर होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि हम हिंदी भाषी थे, हमारा देश हिंदुस्तान कहलाता था और हमारी मातृभाषा एवं राजभाषा हिंदी थी। यदि हिंदी भाषा को वास्तव में राजभाषा का दर्जा दिलाना है तो आज हम सभी को हिंदी के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन करना होगा। आज अंग्रेजी भाषा हमारी संस्कृति को निगल रही है, जिससे भारत की सभ्यता एवं संस्कृति खतरे में पड़ गई है। हमें अंग्रेजी विरोधी नहीं, अंग्रेजियत का विरोधी होना चाहिए। किसी भी भाषा को सीखना अच्छा है। ज्ञान के विस्फोट के समय में अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं को जानना समझना बुद्धिमानी है, लेकिन उसकी अंधभक्ति से मुक्त होकर राजभाषा के प्रति सच्ची निष्ठा प्रदर्शित करनी होगी। तब ही हम राजभाषा हिंदी को सच्चे अर्थों में राजभाषा एवं मातृभाषा का दर्जा दिला पाएंगे। इसीलिए मैं यह चाहती हूँ कि हमारी पाठ्य पुस्तकों की भाषा शुद्ध हिंदी रहे, जिससे सभी विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा का ज्ञान हो सके। धन्यवाद।